गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। एक्चुअली यार बड़े दिन का ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक और मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो आज हम जा रहे हैं कहीं सीसीटीवी कैमरे की फिटिंग करने, तो साथ है मेरे अमन। हेलो गाइस, तो करते हैं पहले ब्रेकफास्ट फिर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं हम आज करेंगे कैमरे की फिटिंग। तो लेट्स गो, तो चलते हैं गाइस। तो कहते हैं राइड की स्टार्ट गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हो गाइस, होप सो आप बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी बढ़िया ही हूँ। अब 4 दिन हॉस्पिटल में काटने के बाद अब एकदम बढ़िया हो चुका हूँ। मुझे को हुई थी बीपी की प्रॉब्लम, तो वो जो लास्ट टाइम हमने ऑफ रोडिंग की थी और चिकन खाया था उसके बाद से तबीयत ख़राब हो गई थी। उसी दिन रात को मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, बीपी नहीं मेरा उतर रहा था। नहीं तो आपको हमने भद्रवाह और जम्मू कश्मीर लेके जाना था, पर क्या करें तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से नहीं जा पाए। तो आज जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा फिटिंग करने। तो चलो, लास्ट टाइम जब हम कनिका डायग्नोस्टिक गए थे तो वही है, बस वही लोकेशन है हमारी। तो करते हैं आज सीसीटीवी फिटिंग। आजकल ना चंबा में ना बड़ा ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया हुआ है क्योंकि मणिमहेश की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। मणिमहेश की यात्रा है मेरे को लगता 7 तारीख से पहली और 24 को लास्ट होगी शायद। तो गाइस मंदिर सज चुके हैं क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए सब तरफ लाइटें लग चुकी हैं। रात को दिखाऊंगा आपको माहौल, चौगान भी दिखाऊंगा आपको रात को कि कितने सारे लोग आए हुए हैं चंबा में मणिमहेश यात्रा के लिए। तो गाइस पहला बोला जाता है कि शिव जी का जो पहला स्थान था वो चंबा के चौगान में लगा था, इसीलिए जितने भी यात्री आते हैं खासकर जम्मू कश्मीर के, तो वो पहला दिन जो होता है वो चंबा के चौगान में ही रहते हैं, रुकते हैं, फिर उसके बाद वो जाते हैं मणिमहेश की तरफ। तो अभी भी देखते हैं अगर कोई होंगे तो आपको दिखाएंगे। रात को तो बड़े सारे लोग होते हैं क्योंकि वो रात को रुकते हैं, फिर रात को ही निकल जाते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने चंबा के चौगान। तो थोड़ी सी गाड़ियां लगी हुई हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये सब मणिमहेश यात्रियों की गाड़ियां हैं। और ज़्यादा अगर लोग जो होते हैं मणिमहेश जो जाते हैं वो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अपने भद्रवाह वाले साइड के, ज़्यादातर श्रद्धालु उसी तरफ से आते हैं क्योंकि वो लोग शिव जी को बड़ा ज़्यादा मानते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वही। आजकल तो गाड़ियाँ लग पड़ी चलने, नहीं तो पहले तो वो लोग पैदल ही आते थे। तो गाइस आज भी हम पक्काटाला वाला रूट ले रहे हैं।
अच्छा है भाई आप तो ठीक कर दें, यहाँ पे सीमेंट डाल दें, नहीं तो भाई बड़े ज़्यादा गड्ढे थे यहाँ पे, इतने ज़्यादा गड्ढे थे कि पूछो मत। ओ यार बाइक बंद होगी भाई। यार चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग यार, वीडियोस तो देख रहे हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस में व्यूज़ भी कम हो गए अब। तबीयत ठीक होती तो आज संडे हमने भथरवाह जाना था, सुबह 5 बजे का प्लान बनाया था कि सुबह 5 बजे निकलेंगे और 10-11 बजे भथरवाह पहुंच के वहाँ पे घूम फिर के तो वापस आ जाना था आज के दिन, नहीं तो कैंपिंग कर लेनी थी हमने, टेंट्स वगैरह साथ ही लेके जाना था मेरा तो पूरा था, टेंट्स वगैरह साथ में लेके जाएंगे, पर तबीयत ही ख़राब हो गई, एडमिट होना पड़ा मुझे, 4 दिन के बाद छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, अभी थोड़ा सा परहेज ही रखना पड़ेगा मुझे भी। संडे के दिन मैक्सिमम सुनसान ही होता है सब कुछ, तो गाइस पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन में, यहाँ से सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमें नीचे पहुंचते। मुझे लगता नहीं है कि सन्नी आया हुआ है क्योंकि गाड़ी लगी अभी मंदी है, तो फ़ोन करते हैं उसको, खुल तो गया वैसे। बाइक लगाते हैं कहीं साइड पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, तो बैठे हैं ऑफिस में, तो सन्नी का वेट कर रहे हैं, सन्नी आएगा तो फिर करते हैं फिटिंग, फिर आपको भी दिखाएंगे कि हम सीसीटीवी कैमरे की, एक्चुअली मैंने किया हार्डवेयर एग्जामन कर रहा है जायजा, जहाँ से तार निकालेंगे। तो अपना एक कैमरा फिट हो चुका है, अब बचे 3 कैमरे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस 9 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद सब सीसीटीवी कैमरे हो चुके हैं फिट, तो हम जा रहे हैं अब घर। बीच में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बैटरी हो गई थी ख़त्म फ़ोन की, तो फ़ोन अभी चार्ज किया है, ये पसीना नहीं मूड हो गया है। तो ठीक है सन्नी फिर बाबा, तो चलते हैं गाइस घर। संडे के दिन सब मार्केट बंद रहती है, ज़्यादातर दुकानें खुलती नहीं है चंबा की। भाई कैमरा फिट करते करते होगी हालत, बिल्कुल थक गया हूँ यार मैं, तो घर जाके सीधा सो ही जाऊँगा। वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, तो फ़ोन की बैटरी अभी चार्ज की है थोड़ी सी, मैंने बोला चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं घर जाते जाते। चुगान में काफ़ी रश हो चुका है क्योंकि गर्मी बड़ी थी आज, तो लोग शाम को टहलने के लिए आ जाते हैं चुगान में।
भाई आज मणिमहेश का इतना रस नहीं है, तो मैंने रस दिखाना था आपको कि मणिमहेश का कितना ज़्यादा रस होता है। आज श्रद्धालु मेरे को लगता आए नहीं आज, क्योंकि कल बड़ा ज़्यादा रश था, तो शायद रात को आएंगे। अच्छे सब लोग लेके आऊँगा यार आपके लिए, मैं बीमार नहीं होता तो बड़े दूर दूर जाना था, भद्रवाह जाना था, किश्तवाड़ जाने का सोच रहे हैं, प्लान बन रहा है। एक और नई बाइक जुड़ने वाली है हमारे पास, कल ले आज फ़ोन आया था मुझे कि बाइक बेच रहा है कोई इम्पल्स, मुझे बड़े दिन से इम्पल्स चाहिए थी, पीछे भी ली थी मैंने इम्पल्स पर वो वापस करने पड़ी क्योंकि उसके अंदर बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मुझे वापस करने पड़ी। तो गाइस ये देखिए लाइटें लग चुकी है दोनों तरफ, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब जन्माष्टमी की तैयारी है, जन्माष्टमी में जुलूस वगैरह निकाला जाता है, अगर मैं इधर हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जुलूस वगैरह भी। और जो ये मंदिर है, ये मंदिर भी राधा कृष्णा का मंदिर है, जुलाकड़ी जुलाकड़ी जगह का नाम है यहाँ, तो जुलाकड़ी में राधा कृष्ण का मंदिर है, तो यहाँ पे उसकी तैयारी हुई है। ये देखो कितना सही लग रहा है यार, एकदम मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है मिंजर आ गई है दोबारा से। देखो पूरा मेले वाला फील है। ओ अंकल, अंकल ने यार बीच में ही ब्रेक लगा दी, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंकल। तो गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे, तो मिलेंगे आपसे अच्छी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टिल बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।